उस पे इसका प्रभाव होता है और उससे हो रहे शराब को रिड्यूस कराना हो, प्रोड्यूस कराना हो, तो आप सीवन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं गला सूख रहा है, गला क्यों सूखता है, ऊपर सूट रहा है क्यों? नमी घट रही है, वहाँ की नमी घट रही है। नमी क्यों घट रही है? इसीलिए काम नहीं कर रही है। उसे जो श्राव होना चाहिए वो श्राव नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? सीवन यूज कर सकते हैं। जहाँ एक्सेस है वहाँ भी सीवन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ है कि जहाँ जहाँ इसकी भारी मात्रा यूज करेंगे वहाँ उसकी हल्की मात्रा यूज करेंगे। यदि सेक्रेशन को रोकना है तो इसकी हल्की मात्रा देंगे, यदि सेक्रेशन को बढ़ाना है तो इसकी भारी मात्रा देंगे। भारी मात्रा समझ रहे हैं ना? मैसिव डोज, उसे मैसिव डोज कह लेते हैं। अरे भारी का मतलब क्या? अधिक, हल्का का मतलब है कम। कहते हैं ना, परहेज कराते हैं पेशेंट्स, कहते हैं ऐसा है ना, आपको भारी चीजें नहीं उठानी है, ठीक है। भारी चीजें नहीं उठाने का मतलब क्या है? अधिक मात्रा में जो भी चीजें हैं उसे नहीं उठानी है। तो जहां रिड्यूस कराना है, जहां उसके फंक्शन, जहां उसके सेक्रेशन कम कराना है, वहां आप सीवन का प्रयोग करेंगे, उसका सीवन का हल्का हल्की मात्रा। और जहाँ उसके सेक्रेशन को बढ़ाना है, उसके स्राव को बढ़ाना है, प्रोड्यूस कराना है, वहाँ आप सीवन की भारी मात्रा देंगे। अब वाटर डिस्चार्ज जहाँ से हो, जैसे आप कभी कभी सुन रहे हैं सुबह उठते हैं तो वहाँ बिल्कुल फूलता नहीं, कुछ रहता भी नहीं, बिल्कुल फूलता भी नहीं, और बहुत देर के बाद जब इसे हिलाते डुलाते हैं, ऐसा ऐसे करते हैं, तो थोड़ा सा वो लुब्रिकेट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा मुलायम होता है, या पानी से धोते हैं तब जाकर थोड़ा सा मुलायम होता है। इसका मतलब क्या है? वहाँ जो आपका जो लिक्विड जो असर है, जो लिक्विड है जो आपके यहाँ को साफ रखता है, उस चीज़ की कमी हो रही है, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो रिड्यूस हो रहा है। उस कंडीशन में उसके प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यदि वही पेशेंट कह रहा है क्या करें, इतना मतलब वहाँ सुबह उठते हैं इतना मतलब पीला पीला कचरा जो है लग जाता है कि यहाँ नहीं खुलता, उसमें भी खुश्की रहती है, पीला पीला हो, उसमें क्या करेंगे आप? सीवन की जगह C5 का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी देखते हैं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद सफ़ेद जो मुंबई डिस्चार्ज करता है, वहाँ C2 का प्रयोग करेंगे। मेडिसिन हमारी C1 C2 C5, और जैसे जैसे जो ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ उस ऑर्गन पे काम करने वाली मेडिसिन हो गई। एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका लिपोसाइट डिस्ट्रॉय कर रहा है, लिपोसाइट का प्रोड्यूसन ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी मेडिसिन आपकी अलग हो जाती है। शरीर में लिपोसाइट की जब भी कमी होगी आपका बीपी क्या होगा? लिपोसाइट की कमी होगी तो बीपी कम हो जाएगा, और लिपोसाइट की मात्रा बढ़ गई तो बढ़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा। लिपोसाइट निकलता है ज्यादा तो लिकोसाइड जैसे लिकोरिया में लिकोसाइड ज्यादा निकलता है तो बीपी कम हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसलिए मैं बता